नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में गतिरोध। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने बाधित की उच्च सदन की कार्यवाही। बार बार स्थगन के बाद कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा से लोकसभा को लौटाया गया जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 370 हटाने को सही ठहराते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी और पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। पुडुचेरी विनियोग विधेयक भी हुआ स्वीकृत। देश में तेज गति से जारी है कोविड टीकाकरण अभियान। गति धीमी होने के विपक्ष के आरोपों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया खारिज। कहा, संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क कायम। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पर अवरोध की वजह से कार्यवाही कई बार बाधित हुई। अवरोध के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों में विधेयक का विरोध किया। इन दलों के सदस्यों का कहना था कि एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने वाला विधेयक है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य आसन के करीब आकर अवरोध पैदा करने लगे। कई बार स्थगन के बाद भी हालात में बदलाव नहीं होने पर सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये विधेयक लोकसभा से कल पारित हुआ था। और इससे पहले राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट से जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सदन में 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के बजट और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई। ये सभी चर्चा एक साथ हुई। चर्चा का जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद इन सभी से जुड़े विचार और लौटाए जाने के प्रस्ताव को सदन ने मंजूर कर लिया। इन विधेयकों को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने विकास की प्रक्रिया को गति दी है। राज्य में केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। जितना उद्योग वहां पर लगा वो अटल जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। कश्मीर को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया और कश्मीर के लोग भी सदा मानते थे कि अगर कश्मीर का हित कोई सोचता है तो अटल बिहारी वाजपेयी सोचते हैं, और उसके बाद अगर उतना ही विश्वास किसी और में है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनको दिखता है। और अगर सदन में आंकड़े गलत दिए जाएं तो माननीय सांसद महोदय को कहना चाहता हूं, आप कृपया करके जांच कर लीजिए। गोली की घटनाएं भी, पथराव की घटनाएं भी, और सीमा पार से सब कुछ होने का कमी आई है सर, तो अनुच्छेद 370 35 के जाने के बाद आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिलीवर करने का काम किया। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसदों ने अपने अपने सुझाव और विचार रखे। आई रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर टू इमीडिएटली एक्ट ऑन दैट व्हाइल रिटेनिंग द वॉल्टेयर डिवीजन the Visakhapatnam railway zone may be created instantaneously so that what has been stipulated in the act can be fulfilled. Andhra Pradesh is also a part of our country. So I requested the Honorable Finance Minister to take the issues to be raised by me in due course, because the appropriation, the consolidated fund must pay some funds to be allocated to the state of Andhra Pradesh. अतः 21-22 के जो बजट में हमारा अनुमान है सकल घरेलू उत्पाद का, वो 14.4% की ग्रोथ इसमें दर्शाई जा रही है। यह ऐसा अनुमान है कि हमारा जो हम पिछले जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ थी उसको पार करके 21-22 में हम 14.4% की ग्रोथ दर्शाने का उपलक्ष्य प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। पुडुचेरी डिस्पाइट बीइंग टू स्मॉल हैज रोबस्ट इंडिकेटर सर। Allocation for Puducherry is not even half of what the 14th Commission has recommended. Sir, gross expenditure for 21-22 is 9,000 crores, sir, but what has been asked in on account is 3,934 crores, sir.
बजट की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इसमें जनता के ऊपर एक रुपए का टैक्स नहीं डाला गया है, जबकि बाकी सारे देशों में जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया गया और उनकी वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली सेंट्रल केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी ले रही है, बट एट द सेम टाइम वी फॉरगेट इट, इफ यू गो थ्रू द बैलेंस शीट ऑफ द पीएसयूज व्हाट वी विल नोटिस फ्रॉम देयर, देयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गेटिंग इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गेटिंग डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बिसाइड दिस एक्साइज ड्यूटी। तो आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट वी शुड रिकन्सिडर दिस थिंग जस्ट टू रिड्यूस द ड्यूटी ऑन द पेट्रोल। सो ये बजट का केवल विरोध करने से विरोध होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जनता ने यह मान लिया है कि भारत का एक सपूत आया है जो आम आदमी का प्रधानमंत्री है, जो गरीब आदमी का प्रधानमंत्री है, जिसने घर घर तक भ्रष्टाचार के बिना पूरा जो लाभ है वो लाभार्थी तक पहुंचाया है। भारत में सबसे तेज गति से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये बताया कि देश में कोविड टीके की कोई कमी नहीं है। बाकी देशों में जितनी वैक्सीन रोजाना लगाई जा रही है उसकी 30% से 40% वैक्सीन रोजाना सिर्फ भारत में लगाई जा रही है। एक दिन पहले ही 24 घंटों के दौरान करीब 32 लाख लोगों ने टीके लगवाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके टीकाकरण को लेकर केंद्र लगातार राज्यों के संपर्क में है, राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह से भी सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। आज सुबह तक सर 4,85,00,000 लगभग लोग जो है भारत में वैक्सीन की डोज ले चुके हैं, यानी इतनी डोजेज। और कल में सर, कल लास्ट 24 आवर्स में 32,53,095 यानी 53,095 लोगों ने कल में सर वैक्सीनेशन लिया। और हमने अभी कल का मैं जो सारे वर्ल्ड में यानी कि जितनी वैक्सीन उस पर्टिकुलर डे में लगती है उसका 30-40% उस पर्टिकुलर डे पर जो है भारत में लग रहा होता है। ये प्रक्रिया 1 मार्च को शुरू हुई थी, 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे 60 साल से ऊपर के लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं। देश के विभिन्न स्मारकों पर शूटिंग के लिए अब फिल्म निर्माताओं को ऑनलाइन आवेदन पर 20 दिनों में अनुमति मिल जाएगी और इसके लिए फीस 1,00,000 रुपए से घटाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित जिन स्मारकों पर लाइट एंड साउंड शो होता है उन्हें रात 9 बजे तक खोला जाए और जिन जगहों पर जिला प्रशासन अनुमति देगा वहां ऐसे स्मारकों को रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा। एएसआई ने एक बड़ा काम किया कि जो फिल्म निर्माता हमारे स्मारकों पर परमिशन मांगते थे उसमें 1 वर्ष लगता था उपाध्यक्ष जी, वो समय अवधि ऑनलाइन हो गई है, वो 20 दिन के भीतर अनुमति दे रही है और इस समय में उसका लाभ मिला है। जो फीस लगती थी 1,00,000 रुपया वो हमने 50,000 की है। जो आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव है उसने एएसआई ने तय किया है कि जो आइकेनिक साइट और विश्व धरोहरें छोड़कर, क्योंकि सारे लोग उसी पर जाते हैं, इनको छोड़कर किसी भी स्मारक में अगर आप जाएंगे तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी चाहे पत्रकार करे चाहे फिल्म निर्माता करे उनको मुफ्त रहेगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। इस दौरान कोविड-19 से जुड़े बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन, महिला किसान, मेडिकल कॉलेज में गैर चिकित्सा शिक्षकों को हटाने से जुड़े मुद्दे उठाए गए। Immediate steps to implement proper techniques for COVID-related biomedical waste management and bring in systemic participation of the recycling industry so that relevant authorities can improve the operational practices of the entire biomedical waste management landscape. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Very good point made. So, Dr. Harshvardhan ji. उस राज्य के मुख्य सचिव को बताया जाए, यहाँ से निर्देश दिया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए कि वो हर 3 महीने में ये पीएम प्रोग्राम जो है 15-point program इसका रिव्यू करें ताकि डेवलपमेंट अच्छा से हो सके, काम ठीक से हो सके। धार्मिक नगरियां हैं श्री अयोध्या जी और श्री अमृतसर साहब, उसके बीच में एक ट्रेन लिंक शुरू करने के लिए मांग कर रहा हूं सर।
a registry of women farmers, equal access to credit, better access to technologies, and quality seats. So unless we assure them space in the policy level and also give support services just as we give to our male farmers. So I wish to draw the attention of this august house to the problem which is being created with regard to the masters of science teachers in medical colleges. Non-medical teachers, all of a sudden, after having served medical colleges for decades, are suddenly being removed without there being a policy. पौराणिक तथा पर्यटन की दृष्टि से कृष्ण सर्किट तभी पूरा होगा जब कृष्ण सर्किट में हस्तनापुर को सम्मिलित करके रेल मार्ग से कुरुक्षेत्र को जोड़ा जाए। मान्यवर, आपके माध्यम से हस्तनापुर को मेरठ पानीपत वाले रेलवे लाइन से जोड़ने का भी आग्रह मैं सरकार से करता। और आज शहीदी दिवस है। इस मौके पर राज्यसभा में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के इन महान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना रहेगा। 23 मार्च 1931 को उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। टुडे 23 मार्च 2021 is the 90th anniversary of the martyrdom of the legendary heroes of our freedom struggle, Sardar Bhagat Singh Ji, Sri Rajguru and Sri Sukhdev, who laid down their lives on this day in the year 1931, displaying great valor, undaunted courage and exemplary patriotism towards our motherland. These martyrs not only strived to free our nation from the clutches of colonial rule, but also envisaged a just and equal society devoid of communalism, hatred, economic disparity, and retrogressive ideas. The trio have become household names in our country as shining beacons of selfless sacrifice and patriotism. The ideas and values they stood for have inspired all of us and will continue to inspire the generations to come. On this occasion, let us resolve to uphold the cherished values these martyrs lived and laid down their lives for the cause of our nation. I request members to raise in their respective places and observe silence as a mark of respect to the memory of these brave martyrs. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।